हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हाउ टू ओवरलोड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा था एग्जांपल में लास्ट टाइम कि कैसे ओवरलोड होते हैं, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिन्हें आप रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हो, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सो ये ऑपरेटर्स आपके कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं टू चेक कि आपकी एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है, सेम है, क्या है। सो वी यूज इट फॉर दैट पर्पज, राइट। सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं एक रेक्टेंगल क्लास का। सो मैं क्या करना चाहती हूँ कि मेरे पास मल्टीपल रेक्टेंगल्स हो और मैं ये चेक कर सकूँ कि कौन सा रेक्टेंगल एरिया वाइज बड़ा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लास बनाई है रेक्टेंगल, कंस्ट्रक्टर के अंदर एल और बी लिया है लेंथ और ब्रेड को इनिशियलाइज करने के लिए। सो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज हो रहा है एल से और बी से, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड से। और ऐसे ही जब इसको हम प्रिंट कराएंगे ऑब्जेक्ट को, तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेंथ और ब्रेड प्रिंट हो रही है। ये अब आप देख रहे हो यहाँ पे फंक्शन। सो जैसे कि मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग में बताया था कि प्लस की जगह पर हम एड नाम का फंक्शन बनाते हैं, सो दैट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर एड अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ऐसे ही माइनस के लिए सब होता है, मल्टीप्लाई के लिए एम यू एल होता है। सिमिलर वे आपके सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए भी सिंबल्स डेजिग्नेटेड है, वो पहले से डिफाइंड है कि अगर मैं ग्रेटर देन ओवरलोड करना चाहती हूँ तो फंक्शन का नाम जी टी होना चाहिए, अगर मैं लेस देन ओवरलोड करना चाहती हूँ तो वो एल टी होना चाहिए, अगर इक्वल टू है तो ई क्यू होना चाहिए। सो ऑल दोज मेथड्स आर ऑलरेडी डिफाइंड, मतलब ऑलरेडी स्पेसिफाइड कि उसका जो नाम है वो क्या होना चाहिए और आपको उसी के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जी टी बनाया है, मतलब ग्रेटर देन। अब मैं ग्रेटर देन में रिजल्ट क्या रिटर्न करना चाहती हूँ, ट्रू या फॉल्स, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर आप कोई सा भी ओवरलोड करो उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में ही आना चाहिए, है ना। सो जब भी हम कोई भी ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि कंडीशन चेक करने के लिए यूज हो रहा है, जो कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, वो या तो ट्रू रिटर्न करता है या वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो वही हमारा फंक्शन भी यहाँ पे रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, डेफ जी टी, दो ऑब्जेक्ट्स रिसीव हुए, पहला और दूसरा। मैंने पहले वाले का एरिया निकाला जो कि सेल्फ डॉट एल इंटू सेल्फ डॉट बी हो गया, तो इससे आपके पास फर्स्ट वाले का एरिया आ जाएगा। अदर डॉट एल इंटू अदर डॉट बी से मेरे पास सेकेंड वाले का एरिया आ जाएगा। अगर फर्स्ट वाले का एरिया सेकेंड वाले के एरिया से बड़ा है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, है ना, और अगर नहीं है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। सो यहां पर हमने दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, फर्स्ट रेक्टेंगल सेकेंड रेक्टेंगल। मैंने दोनों रेक्टेंगल्स को प्रिंट करा दिया और उसके बाद मैंने चेक किया कि इफ आर वन ग्रेटर देन आर टू, अगर रेक्टेंगल वन रेक्टेंगल टू से बड़ा है, ठीक है, कैसे बड़ा है वो मैंने जैसे कोड लिखा होगा वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो मैंने एरिया चेक किया है, सो फर्स्ट रेक्टेंगल इज बिगर इन एरिया, अदरवाइज मैं प्रिंट कर रही हूँ, सेकेंड रेक्टेंगल इज बिगर इन एरिया। सो अगर आप इसको रन करते हो तो राइट नाउ मेरे पास जो पहला रेक्टेंगल है वो बिगर है एरिया में, बट वी कैन चेंज द वैल्यूज। हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं, इसको मैं 12 और 17 कर देती हूँ, सेव करती हूँ और रन करती हूँ, तो अब सेकेंड वाले का एरिया बड़ा हो गया है। सो इट इज शोइंग मी सेकेंड रेक्टेंगल इज बिगर इन एरिया, तो आपका जो सेकेंड रेक्टेंगल है वो आपका एरिया में बड़ा है, ठीक है। सो आप ऐसे ही लेस देन ओवरलोड कर सकते हो, इक्वल टू कर सकते हो, ग्रेटर देन कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड, बस आपको करना ये है कि हर किसी के लिए एक अलग मेथड बन गया है। सो कीप मेकिंग द मेथड्स एंड ओवरलोडेड, और रिटर्न आप हमेशा इसमें क्या करोगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। सो अगर ट्रू है कंडीशन जो भी आप अंदर चेक कर रहे हो, सो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। हमेशा याद रखना कंपैरिजन ऑपरेटर है तो ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न होने चाहिए। सो दिस इज हाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन बी डन इन पाइथन। दिखने में बहुत बड़ी चीज लगती है पर है बहुत सिंपल। सो बहुत ही इजीली आप इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये यूजफुल भी लगा होगा और मजा भी आया होगा ये प्रोग्राम्स बना के। सो अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डेटा विजुअलाइजेशन। जी हाँ, जब तक आपका डेटा एक पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्प्ले ना किया जाए उसका एनालिसिस उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। सो वी वांट टू एनालाइज डेटा इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एंड डेटा विजुअलाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर रोल्स ऑफ पाइथन इन डेटा एनालिसिस। सो डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट प्रोग्राम।
आई होप ओप्स के कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे विद ऑल दीज सेट ऑफ एग्जाम्पल्स. इन केस यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो. आप टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो पाइथन के नोट्स, एज वेल एज आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो वो आपके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी है. पाइथन का पूरा कोर्स चाहिए तो वो ऐप पे है एट वेरी नॉमिनल प्राइजेस. सो यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड चेक आउट द कंटेंट इन द ऐप एंड ऑल्सो शेयर दीज quotes with me on Instagram as well as LinkedIn to win exciting prizes. So that's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.